माँ की दुआ बुरा वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। गुरु माँ रुक्मणी जी से निशुल्क मिले हर गुरुवार फ्री कुंडली परामर्श। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आकर मिले 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। आज के समय में जहाँ इतनी दौड़ भाग है, इस जीवन में संपूर्ण विधि पूर्वक पूजा पाठ करना बिल्कुल असंभव सा है। इसीलिए तो सनातन हिंदू धर्म के जो आज नौजवान है, जो नव पीढ़ी है, न्यू जेनरेशन है, वो मंदिर से नजर बचा के गुजरते हैं। भगवान की लंबी चौड़ी पूजा पाठ कैसे करें, क्या सब कुछ छोड़ करके उनके सामने घंटी बजाना शुरू करते? समय कहाँ है? पढ़ाई करें, करियर बनाएं, नौकरी करें या भगवान की पूजा पाठ करते रहें? लेकिन जब जीवन में दुख आता है, जब जीवन गड़बड़ाने लगता है, तो यही भक्त हैं, यही लोग हैं, भगवान के सामने घंटों घंटों बैठे रहते हैं, भगवान की मालाओं पे मालाएं जपते रहते हैं। जब जीवन जरा सा भी गड़बड़ होता है तो भगवान ही सबसे पहले याद आते हैं। कबीर दास जी इस बात पे कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भगवान का भजन व्यक्ति अगर सुख में करे तो दुख उसे कभी संताप नहीं देगा, इतना दुखी नहीं करेगा कि वो बिल्कुल ही हर ओर से निराश हो जाए, हमेशा उसमें पॉजिटिवनेस भरी रहेगी। पर आज के नौजवान तो रामहीन से बचाए। हमारा एक शिष्य है चिरकुट। मैंने सुना एक दिन अपने कजिन भाई की शादी में गया। शादी का माहौल था, चिरकुट के भाई की शादी थी, तो चिरकुट खूब मन लगा के सारे कामों में मदद कर रहा था। आज का नौजवान था, जींस पहनने वाला, कान में बाली, हाथ में बड़ा फोन, हाथ पे टैटू। पंडित जी ने उससे कहा, अरे बेटा चिरकुट, जरा पूजा की थाली ले आओ। चिरकुट गया दौड़ा दौड़ा, थोड़ी देर बाद थाली ले आया। अब थाली ला ही रहा था कि एक लड़की उसके पीछे जोर जोर से भागे जा रही थी। चिरकुट आगे आगे, लड़की पीछे पीछे, चिरकुट आगे आगे, लड़की पीछे पीछे। पंडित जी ने कहा, अरे बेटी इतनी परेशान क्यों हो रही हो, तुम भी पूजा कर लेना। लेकिन वो लड़की चिरकुट का पीछा ही ना छोड़े। चिरकुट उसके जैसे ही हाथ लगा, उसने चिरकुट को जोर से एक तमाचा मारा। बोली, अरे खाना तो खाने देता, प्लेट उठाने की इतनी जल्दी। तो आज के जो नौजवान है, आज की जो युवा पीढ़ी है, भैया इनका तो क्या कहें। मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है कि अब की जो जेनरेशन चल रही है, आज के जो लोग हैं, जब ये गुजर जाएंगे तो ये जो हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, ये तो तांत्रिकों के पास बैठे मिलेंगे। ये कहेंगे तांत्रिक बाबा से कि अरे बाबा, हमारी मम्मी की आत्मा को बुला दो, हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है, उनसे पूछ ले क्या करना होता है, विधि कैसे है, सामग्री क्या करनी। क्योंकि खुद तो उनको किसी भी चीज का आज स्मरण नहीं रह गया, समय ही नहीं है। तो अब यही बैठे सोच रही थी, कैसे आपके घर में सुख शांति आए। देखो गुरु माँ का तो एक ही काम है कि कैसे मैं अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मदद दे पाऊं। देखो कर्म तो तुम्हारे हैं, कर्म की खेती तुमने की है, उसका फल भी तुम काटोगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। लेकिन माँ का हृदय जो होता है वो करुणा से भरा होता है, वो अपने बच्चों को चाहे उसने गलती भी की हो कभी भी दुख में नहीं देख सकती। वही मेरा हाल है, चाहे आप कैसे भी कर्म करो, दुख में मैं आपको देख नहीं सकती। इसीलिए बार बार आ जाती हूँ राशिफल के माध्यम से, आपकी राशि बताने के माध्यम से, कि शायद किसी एक व्यक्ति का जीवन में सुधार दूं, शायद मेरी बातें सुन के, मेरी वाणी सुन करके किसी के जीवन में कुछ सुख भरे पल आ जाएं, तो मैं यही समझूंगी मेरा जीवन सफल हो गया। तो आज मैं उपस्थित हुई हूँ ये सोच के कि आपके घर में जो इतना कले कलेश रहता है, आपके घर में इतनी समस्याएं रहती हैं, सब लोग अपने तितर बितर हैं, हर एक फैमिली का जो मेंबर है अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहा है, कोई किसी को एक साथ लेके चलना नहीं चाहता है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। खासकर आज घरों में ये देखा जा रहा है कि हम बड़ों की बातें सुनना नहीं चाहते। बहू अपने सास की बात नहीं सुनना चाहती है,
देवरानी जिठानी की बातें नहीं सुनना चाहती है, पुत्र अपने पिता की नहीं सुनना चाहता है, हमें सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बड़ों की भी नहीं सुनना चाहते हैं, जिसके कारण हमारे घर में कलह कलेश होता रहता है। हम इस कलह कलेश को कैसे दूर करें? और मुझे ये भी ध्यान करना था कि समय आपके पास है नहीं, तो एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूं जहां मात्र 2 मिनट में, केवल रोजाना गुरु माँ के कहने से 2 मिनट अपने लिए भगवान के लिए निकाल लेना, तुम्हारे घर में सुख शांति भी आएगी, भगवान की कृपा भी होगी, तुम्हारे राशि ग्रह नक्षत्र सब सुधरेंगे। मात्र 2 मिनट, संपूर्ण विधि विधान से पूजा ना कर पाओ कोई बात नहीं है, केवल 2 मिनट ये जो आरती बताने जा रही हूं इस उपाय को कर लेना तो अवश्य ही घर में सुख शांति आएगी। अगर आपकी राशि धनु राशि है तो आपको विष्णु भगवान की आरती रोजाना 2 मिनट जरूर गानी चाहिए। इससे आपके देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, आपके पितृगण भी प्रसन्न होंगे, आपके घर में सुख शांति और बरकत ये सभी चीजें लेकर के आएंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि कैसे इष्ट की पूजा करें, कैसे अपने इष्ट को जानें, गुरु मां रुक्मिणी नाम डाल के आप इष्ट देवता सर्च करिएगा तो ये वीडियो आपको आ जाएंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं इनके पूजा पाठ कैसे करें, कैसे उनकी मूर्ति इत्यादि को घर में लगाएं या व्रत इत्यादि कैसे करें, तो वो भी मैंने आपकी राशि अनुसार वीडियो बना रखा है, उसे भी आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आज बताने वाली हूँ कि कैसे आपने मात्र 2 मिनट भगवान के सामने आरती गानी है और संपूर्ण विधि पूर्वक पूजा करने का फल भी आपको मिले। मैंने पिछले वीडियो सीरीज में बताया है कि अगर मूर्ति आपके इष्ट की घर में ना हो तो ऐसी स्थिति में दोष लगते हैं। आपको अगर उनसे पूरी तरीके से जुड़ना है तो फोटो फ्रेम से आप इतना नहीं जुड़ पाओगे जितना उनके विग्रह से, उनकी मूर्ति से जुड़ पाओगे। तो उनकी जो मूर्ति है उस मूर्ति को आपने अपने समक्ष रखना है, अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। रोजाना चाहे पूजा करो मत करो, लेकिन उनकी आरती जरूर गानी है। आरती जो आपको अच्छी लगे वो गाओ, जिससे मन को शांति मिले वो गाओ, 2 मिनट उस आरती को गाना है, लेकिन आरती की विधि को समझ लो, क्योंकि आरती भी हम गलत प्रकार से करते हैं। जब भी आरती करें उस समय घी का दीपक आपका होना चाहिए, 1 हो सकता है दीपक, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ये दीपक घी का ही जलाएं, इसके साथ धूप बत्ती जलाएं। बहुत से लोग मैंने देखा अगरबत्ती जला लेते हैं। अगरबत्ती हमारे हिंदू धर्म में बांस को जलाना मना है, अगरबत्ती ना जलाएं, केवल धूप बत्ती जलाएं। धूप बत्ती के साथ अब दीपक जलाएं। अब आरती जब आप करते हो तो उसमें हमेशा ध्वनि साथ में होनी चाहिए, यानी कि आपके घर के सारे मेंबर्स इकट्ठे हो, सुबह के समय या शाम के समय, दोनों समय हो जाए तो सबसे अच्छा है। ये बात को और गौर करना, ये मेरा चैलेंज है, जिस भी घर में सुबह और शाम सारा परिवार मिलकर आरती करता है उस घर में कभी कलह कलेश नहीं होता है, उस घर में कभी भी विवाद उत्पन्न नहीं होते हैं, भाई भाई का शत्रु नहीं होता है, हमेशा प्रेम प्रीत बनी रहती है। ये आप किसी भी घर में नोट कर लेना, जिस भी घर में ये नियम हो, सुबह भी सारे लोग मिलकर आरती कर रहे हैं, शाम भी सारे लोग मिलकर आरती कर रहे हैं, कभी भी उस घर में झगड़े नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे। तो अगर सुबह शाम कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो एक समय सभी लोग मिलकर के अवश्य करें। सब लोग ना एक साथ समय मिलता हो तो अलग अलग करें, अपने अपने इष्ट की आरती करें, लेकिन करें अवश्य। और आरती करते समय आपने ध्वनि अवश्य करनी है, आप ढोल बजा सकते हैं, ढोलक बजा सकते हैं, आप घंटी बजा सकते हैं, करताल बजा सकते हैं, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं जिसमें से तेज ध्वनि उत्पन्न हो, शंख भी बजा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मान लो अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है, कोई गाजा बाजा नहीं है, तो ताली जरूर बजाएं। जब जोर से ताली बजाई जाती है तो आसपास की जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर भाग जाती है। तो आपने अपने घर में अगर सुख शांति चाहिए, नकारात्मकता आपने हटानी है, तो आपने आरती के अंदर कुछ ना कुछ जरूर बजाना है, चाहे ताली बजा के आरती करें। नमस्ते, मैं नागालैंड से हूँ, फिलहाल मैं डिफेंस में कार्यरत हूँ। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में गुरु माँ का प्रोग्राम देखा, सब कुछ मेरा ग्रह दशा देख लिया गुरु माँ ने, तो उन्होंने बोला कि रिंग पहनना पड़ेगा, सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए भी दिया और मैंने इसे पहन के, तो आज गुरु माँ का रिंग पहनने का हफ्ते भर में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं घर में
इतना परेशान था घर में, झगड़ा 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 झगड़ा, और घर में मैं बीमार, रात भर सोती नहीं थी बीमार से। जितना भी काम बनते बनते रुकता था। अभी जब गुरु माँ का रिंग पहनने का ये एक हफ्ते के अंदर में ही मेरे लिए धीरे 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 असर दिखाने लगा, तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं रिंग पहना हुआ अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ मेरा, अभी ठीक हो गया मेरे लिए सब कुछ। बीमार ठीक हूँ मैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम बन रहा है। हम लोग इतना प्रॉब्लम से एकदम अंदर में घुट घुट के जी रहा था, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, हमको खुशियां देने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका कृपा और इतना आपका पावर हम सोच भी नहीं सकता था। गुरु माँ कहीं दिखा लूं तो इतना क्यों लग के इतना भीड़ भड़ाका में बैठना, वो हमारा बस की बात नहीं था। गुरु माँ इतना आपने, हम घर में बैठे बैठे ही आपने इतना हमारा काम और हमारा बीमार और झगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पावर दिखा दिया। गुरु माँ आपका पावर देख के मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ, और आपका कृपा और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बरसा देना गुरु माँ। हमको इतना मिला कि खुशी खुशी मिला, ये मैं सोच नहीं सकती थी। नमस्ते, जय शनिदेव। आरती जब भी करते हैं उसका भी एक विधि होता है, बहुत से लोग ठीक प्रकार से आरती भी नहीं करते हैं। आरती हमेशा ओम की आकृति में की जाती है। बहुत से लोग ऐसे केवल थाली को घुमाना मात्र भगवान की आरती समझते हैं, नहीं, आप आरती करें तो ओम की आकृति में ही आरती करें, पूरा अपने ओम बनाना है। यानी कि आपने पूरा पहले ओ बनाया, फिर वापस आकर के उसका आपने मात्रा लगाई, उसी प्रकार से आपने पूरा आरती करना है। चाहे थाली से करें, चाहे आप दीपक से करें, लेकिन ओम बनाते हुए आरती करें। एक और खास बात आपको आरती में बताती हूँ, पूरा विधि जिससे हमें संपूर्ण आरती का फल मिले, इस उपाय का फल मिले, वो है कि आपने कभी भी भगवान को सीधा उनकी आंखों में देख के आरती नहीं करनी है। जब भी भगवान का दर्शन किया जाता है, उनके चरणों से उनका दर्शन होता है, साधु संतों का, गुरुजनों का, भगवान का, भगवान की मूर्ति का जब भी दर्शन करना है, आपने नीचे से उनको देखना प्रारंभ करना है, यानी कि उनके चरणों से, उनके चरणों को देखते हुए आप ऊपर की ओर आए। तो उनके चरणों में आपने चार बार सबसे पहले आरती करनी है, उसके बाद उनके नाभि कमल पर यानी उनके पेट के स्थान पे, वक्ष स्थल के स्थान पे आपने दो बार आरती करनी है, उसके बाद उनके मुखमंडल का दर्शन करते हुए आपने एक बार वहां आरती घुमानी है, उसके बाद आपने संपूर्ण शरीर पर सात बार आरती को घुमाना है। यह सही प्रकार है आरती करने का। आरती के पांच अंग भी होते हैं। सबसे पहला तो दीप से ही होता है, दीप प्रज्वलित करके आरती करते हैं। उसके बाद हम शंख से आरती करते हैं, कपड़े से आरती करते हैं, आम की पत्तियों से आरती करते हैं, और अंत में हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ये पांच अंग भी आरती के होते हैं संपूर्ण होने के, और इसमें भी दंडवत प्रणाम यानी पूरा लेट करके प्रणाम करना बहुत अच्छा है। इससे व्यक्ति को झुकना आता है। ये व्यक्ति हमेशा जब झुक पाएगा, नीचे ईश्वर के सामने झुकेगा, तभी तो उसकी कृपा उसे प्राप्त होगी। तो जब भी ईश्वर की कृपा चाहते हैं, दो मिनट रोजाना आरती करना शुरू करें अपने इष्ट की। अब यहां आप ये पूछ सकते हैं कि हमारे घर में तो सबकी राशियां अलग अलग है, तो हम किन इष्ट की आराधना करें, किन की आरती गाएं गुरु माँ? तो ऐसे में घर के जो मुखिया हैं, उनके इष्ट को मान करके, या आपके कोई कुल देवता है या कुल देवी है जिन्हें आप पूजा कर रहे हैं, आपके कुल में चली आ रही है, आपके वंशों से चली आ रही है, तो उनके भी साथ मिलकर आप आरती गा सकते हैं। अन्यथा जो आपके घर के मुखिया है, उन मुखिया की जो राशि है उसके अनुसार ही घर में आप आरती करें सबसे प्रथम, और बाद में और किसी की आरती भी करना चाहे आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन रोजाना नियम इसका बना लें। इससे आपके देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, आपके पितृगण भी प्रसन्न होंगे, आपके घर में सुख शांति और बरकत ये सभी चीजें लेकर के आएंगे। चलो ये तो मैंने आपको आपका उपाय बता दिया, लेकिन अब मुझे भी आपसे एक छोटा सा काम है। कल मैं अपने ठाकुर जी के चरणों में बैठी थी, तो मैंने देखा कुछ मुंह फूला हुआ है, कुछ मुंह बना रखा है उन्होंने। मैंने पूछा, अरे स्वामी क्या हो गया, आप कुछ नाराज से लग रहे हैं। बोले हाँ, नाराज कैसे ना हो, आजकल तुम अपना सारा समय अपने बच्चों पर लुटाती रहती हो। पहले तो मेरे साथ बैठती थी, घंटों बातें करती थी, मुझे भजन सुनाती थी मेरे चरणों में बैठ के, अब कुछ नहीं करती हो।
अब केवल अपने बच्चों के उपायों में लगी रहती हो, उनको मदद करती रहती हो। तो मैंने उनसे कहा, देखो नाराजगी वाली कौन सी बात है, ये तो आपने स्वयं मुझे इस काम में डाला। बहुत से लोग जिन्हें मालूम नहीं है उनको बताती हूँ, जब मैं अपनी साधना काल में थी, जब मैंने इच्छा की कि अब मैं अपने केश का त्याग कर दूंगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुमा बाल क्यों छोड़े, आपके बाल बहुत सुंदर थे, बहुत लंबे थे, आपने बालों का त्याग क्यों किया। देखो मन में मेरे इच्छा हुई कि अब इस रूप से बाहर आना चाहिए, यानी एक स्त्री होना, एक लड़की होना, जो लड़कियां हैं वो इस बात को समझ सकती हैं कि सबसे ज्यादा उन्हें अपने शरीर से लगाव होता है। हमें अच्छी दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, साधना में सारी चीजें बाधक है। हमें किसी भी चीज से मोह नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज से लगाव नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने केश का त्याग कर दूंगी तो मुझे इस शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा, मैं स्वरूप से अरूप में आ जाऊंगी। और वैसा ही हुआ। ये जो मेरा सर है, ये जो मेरे बिना केश का सर है, ये मुझे मेरी साधना की याद दिलाता रहेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और अपने बालों का त्याग करने के बाद मुझे इतना हल्का महसूस होता है, इतना हल्का महसूस होता है, जैसे सारी चिंताएं, सारे विचार, सारी जितने भी बंधन थे वो सबसे मैं मुक्त हो गई। ये मेरे मन में इच्छा हुई और उस समय मैंने इच्छा की थी कि अब फुल टाइम साधना में रहेंगे। उससे पहले कथाएं इत्यादि करते रहते थे, श्रीमद् भागवत कथा करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता था। तो यही सोचा कि अब फुल टाइम भैया साधना को देंगे, अब केवल और केवल भगवान के चरणों में बैठे रहेंगे, उन्हीं की साधना तपस्या में लीन रहेंगे, अपने आनंद में रहेंगे। लेकिन कुछ ही, मुझे लगता है कि साधना शुरू किए कुछ ही समय हुआ होगा, शायद 1.5 महीना हुआ होगा, तो YouTube पर हमारे किसी बच्चे ने कुछ वीडियो डाला होगा और उपाय इत्यादि बताए थे मैंने, शायद पितृदोष के उसमें उपाय बताए थे। रातों रात वो वीडियो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, लाखों लोगों ने एक ही रात में देख लिया। अब वो इतना वायरल हो गया कि उस दिन से आज तक मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं पूरे दिन की साधना में बैठ पाऊं, मैं पूरे दिन ध्यान कर पाऊं, ऐसी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। हालात तो ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 महीने तक सारे अपॉइंटमेंट बुक रहते हैं, सब लोग मिलना चाहते हैं, इतने सारे लोग हैं, कई बार ऐसा लगता है मैं तो अकेली हूँ, कैसे सबकी मदद करूं। तभी भगवान से प्रार्थना करने बैठ जाती हूँ, लेकिन क्योंकि अपॉइंटमेंट भी आप लोगों ने ले रखे हैं तो उनसे बात भी करनी जरूरी है। एक बार हंसी मजाक में मैं भगवान से कह रही थी कि इतना व्यस्त आपने कर दिया है कि अब तो यमराज भी यदि आ जाए तो उनको भी कहना पड़ेगा कि महाराज अब तो 2 महीने तक अपॉइंटमेंट बुक है, उसके बाद ही आना, उसके बाद का भी कोई ठिकाना नहीं। तो मैंने कहा ठाकुर जी से, अपने कान्हा से, कि भैया आप ही ने हमें इसमें फंसाया, आप ही ने कहा कि जाओ बच्चों की मदद करो, जाओ लोग जो कष्ट में उनकी मदद करो, और हम कर भी रहे, तो अब आप क्यों नाराज होते हो। पर वो तो ना माने, बहुत नाराज हो रहे थे, अब तो मुझसे बात ही नहीं करती हो, अब तो मुझसे प्यार नहीं करती हो, अब तुम्हारा अटेंशन दूसरों की तरफ है। तो मैंने यही सोचा अब कैसे उन्हें मनाऊं, बहुत देर बैठी रही, उनसे बात करती रही, उन्हें मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं माने। अब मैं सोच रही हूं उनको कैसे मनाऊं। एक विचार मन में आता है कि वृंदावन हो जाऊं, दिल्ली से शायद दूरी थोड़ी ज्यादा हो रही है, वृंदावन जाकर के उनको मना के आते हैं। दूसरी इच्छा कर रही है कि अब कुछ भजन मैं उनके चरणों में भेंट करूं, कुछ रिकॉर्डिंग कराते हैं स्टूडियो जाकर के और उनके चरणों में कुछ सुंदर से भजन भेंट करते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो प्रेम है वो शब्दों में गायन के द्वारा उनके चरणों में रखते हैं, शायद मान जाए। आप में से किसी भी भक्त के पास अगर कोई भी अच्छा सा आइडिया है, देखो आप लोग तो बहुत प्यारे हो और न जाने कितनों से प्यार भी कर लेते हो, तो आपको तो पता होगा कि रूठे हुए को कैसे मनाना है। तो अगर कोई जिससे आप प्यार करते हो वो रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना है, मुझे नीचे कमेंट में लिख के प्लीज बता दो, क्योंकि गुरुमा थोड़ी सी इसमें कच्ची है, मुझे तो ज्यादा समझ आ नहीं रहा कि कैसे मनाऊं। अगर आपके पास कोई अच्छा सा आइडिया होगा और वो ठाकुर जी ने पसंद कर लिया तो सच कह रही हूँ आपसे ज्यादा जीवन में सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा।
तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप नहीं लिख के बताना है, ये आज आपका होमवर्क है, आपका काम है। देखो आपकी गुरु माँ तो आपके लिए सुबह शाम लगी रहती है, सारे काम करती रहती है, अब गुरु माँ का भी छोटा सा काम कर दो, ठीक है। तो आज के सत्संग को यही समाप्त करते हैं, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, खुश रहिए, भगवान आपके जीवन में आपके घर में सुख शांति भरे, यही मेरी आज की कामना है, प्रार्थना है प्रभु से, हे प्रभु सबके जीवन में सुख शांति आए। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आप सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु महात्मनी लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट। 9 रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौकरे शुभ फल प्रदान करने लगते हैं, और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क पौड़ी है, जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश जी, जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में अभी कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शांति। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।